पृथ्वी 4.5 अरब साल पुराना हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। हर प्राणी, मनुष्य और हर वह चीज जो हमें याद है और जो हमारे साथ थी या रहेगी, वह सब इसी ग्रह में रहती हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में केवल यही अपना एक घर है जो हमें रहने, खाने और पीने के लिए सब कुछ देता है। जितने भी लोग आए और मरकर चले गए और आने वाले हैं, वे सभी इसी ग्रह पर अपनी जिंदगी जी करके चले जाएंगे। और फिर भी हमारा ये ग्रह अपनी इसी जगह पर अरबों सालों तक टिका ही रहेगा। भले ही पृथ्वी या कहें तो अर्थ 4.5 अरब साल पुरानी है, पर इसकी जिंदगी हमेशा एक समान नहीं रही है। पृथ्वी पर हम इंसान काफी नए हैं। हमारे सबसे पहले पूर्वजों का मात्र 60 लाख साल पहले यहाँ जन्म हुआ था, और आज जो हम हैं, वह हमारे 2 लाख साल पहले का इवोल्यूशन या क्रमिक विकास है। हम आधुनिक मानवों को इस ग्रह पर 2 लाख साल हुए हैं, पर हमारी समझ अभी भी इस ग्रह के लिए एकदम नई है। पर हजारों सालों के हम इंसानों के खोजी स्वभाव ने आज विज्ञान को इतना विकसित कर दिया है कि हम वह सब कुछ जान सकते हैं और अनुमान भी लगा सकते हैं जो पहले हमारे पूर्वजों के लिए एकदम सपने की तरह था। हम जानते हैं कि हमारा अपना घर पृथ्वी 4.5 अरब साल का हो चुका है, और हमारा सूर्य भी 5 अरब साल का है और अपनी आधी जिंदगी को जी चुका है। 4.5 अरब साल की अपनी इस जिंदगी में पृथ्वी ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। यहाँ पर 3.5 अरब साल पहले जीवन की शुरुआत हुई, और 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के सबसे बड़े जीवों डायनासोर का अंत भी हुआ था। फिर पिछले कुछ लाख सालों से हम इंसान इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, पर क्या हम आगे भी इसी तरह पृथ्वी पर जीवित रह पाएंगे? और क्या हमारा ये घर पृथ्वी हमें आने वाले लाखों करोड़ों सालों तक भी जिंदा रखने के लिए हमारी जरूरतें पूरी करता रहेगा? अगर हम भविष्य में किसी और ग्रह पर चले जाएं और वहां से पृथ्वी को 1 अरब साल तक या उसके बाद देखें, तो वह कैसी लगेगी? इन्हीं सभी सवालों के जवाब और फ्यूचर में होने वाली पृथ्वी की जिंदगी में बदलावों के लिए आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। हम सभी साल 2018 के आखिरी महीने में जी रहे हैं। अगर हम इसी तरह फ्यूचर में आगे बढ़ते रहे तो आज से 10,000 साल बाद हम इंसान इतने घुल मिल जाएंगे कि हमारे जो आज के रंग और कल्चर हैं, वह इतने बदल चुके होंगे कि आज का मानव पहचान नहीं सकेगा। अफ्रीका में जहाँ काले लोग रहते हैं और ब्रिटेन और अमेरिका में गोरे, सब इतने घुल मिल जाएंगे कि आप किसी को भी शक्ल देखकर उसके रीजन और रिलीजन का पता नहीं कर पाओगे। इसी तरह आने वाले 20,000 सालों में हम आज की कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, और हमारी एक अलग ही लैंग्वेज होगी जो पूरी दुनिया में सेम भी हो सकती है। 50,000 साल बाद पृथ्वी फिर से अपने ठंडे यानी हिमयुग में चली जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में बर्फ ही बर्फ होगी। कमाल की बात यह है कि 50,000 साल बाद पृथ्वी की घड़ी में 24 घंटे में एक और सेकंड जुड़ जाएगा। 1 लाख साल बाद पृथ्वी से दिखने वाले तारे और उनकी पोजीशन एकदम बदल जाएगी, और जो तारे आज जहां आप देखते हैं, वह 1 लाख साल बाद एकदम अलग होंगे। हो सकता है कि उनकी जगह कोई और तारे और उनके नक्षत्र यानी कॉन्स्टेलेशंस जगह ले ले। 5 लाख साल बाद भी अगर हम इंसान पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम एक जबरदस्त टक्कर को होते हुए देखेंगे, जो कि एक विशाल 1 किलोमीटर की उल्का या एस्टेरॉयड के टकराने से होगी। अगर हम इसे आर्टिफिशियल तरीके से नहीं रोक पाए, तो यह पृथ्वी पर एक पूरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर देगी। इसका धमाका बहुत तेज होगा, जो कि आज के बनाए गए परमाणु बम्बों से भी 1 लाख गुना ज्यादा हो सकता है। 10 लाख साल बाद अगर आप पृथ्वी पर होंगे, तो हमारी आंखों से दिखाई देने वाले सबसे बड़े तारे बीटलजूस, जो कि सूर्य से 950 गुना बड़ा है, उसका सुपरनोवा धमाका देख सकते हैं, जो कि आपको दिन में भी दिखाई देगा। 20 लाख साल बाद पृथ्वी पर से ग्रैंड कैनियन का नामो निशान मिट जाएगा, और 1 करोड़ साल बाद इस धरती पर जो आज हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, उनमें से अफ्रीका टूटकर अलग दिशा में चला जाएगा। 5 करोड़ साल बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये टुकड़ा यूरोप और एशिया की प्लेट, जिसे यूरेशिया कहते हैं, उससे टकराकर इतनी बड़ी पर्वतमाला या माउंटेन रेंज बना लेगा, जो कि आज के हिमालय से भी ज्यादा बड़ी और ऊंची होगी। इसके साथ ही उस समय मास का मून फोबोस
खुद माँ से टकरा करके अपने आप को खत्म कर लेगा। आज से 10 करोड़ साल बाद पृथ्वी दोबारा एक उल्का की टक्कर की गिरफ्त में होगी। इस बार उससे 10 किलोमीटर के आकार की उल्का टकराएगी जो सब कुछ खत्म कर देगी। आज से 6.5 करोड़ साल पहले भी इसी तरह की उल्का ने पृथ्वी पर डायनासोर और उसके जैसे जीवों को खत्म कर दिया था। दूसरी ओर हमारे सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह सैटर्न या शनि की भी खूबसूरत रिंग 10 करोड़ साल बाद खत्म हो जाएंगी। पर अगर उस समय भी इंसान जीवित रहे तो यही सही समय होगा कि वे पृथ्वी को खाली करके किसी और ग्रह या एक्सोप्लैनेट की खोज में निकल जाएं जो किसी स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो। 24 करोड़ साल बाद पृथ्वी अपनी आकाशगंगा का एक पूरा चक्कर लगा लेगी जिसे गैलेक्टिक ईयर भी कहते हैं। एक गैलेक्टिक ईयर 23 से 24 करोड़ सालों का होता है। 25 करोड़ साल बाद धरती पर मौजूद सारे कॉन्टिनेंट एक साथ आकर के फ्यूज हो जाएंगे और आगे आने वाले 25 करोड़ सालों तक ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद 50 करोड़ सालों में ये कॉन्टिनेंट दोबारा टूटकर इधर उधर जाने लगेंगे। एक तरह से पृथ्वी का पूरा नक्शा ही तब तक बदल चुका होगा। 60 से 70 करोड़ साल बाद एक बार फिर हमारी धरती यानी पृथ्वी भयानक खतरे के सामने होगी। इस बार उसका सामना एक गामा रे विस्फोट या कहें गामा रे वस से होगा जो धरती पर सारा जीवन ही खत्म कर देगी। ये इतनी भयानक तबाही मचाएगी कि ना तो ओजोन लेयर रहेगी और ना ही कोई वातावरण टिक पाएगा। हर तरह की कॉम्प्लेक्स लाइफ इस समय तक खत्म हो चुकी होगी। फिर 1 अरब साल बाद या कहें 100 करोड़ साल बाद सूर्य अपनी चमक यानी ल्यूमिनोसिटी को 10% तक बढ़ा चुका होगा जिससे पृथ्वी पर मौजूद सारे समुद्र सूख जाएंगे और पानी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। पृथ्वी का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जो कि आज के एवरेज टेम्परेचर से भी 3 गुना ज्यादा होगा। इस समय पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटों की बजाय 28 से 29 घंटों का होने लगेगा। यहाँ ना तो कोई ऑक्सीजन होगी और ना ही किसी तरह की भी कोई भी लाइफ। अगर आप यहाँ उतरेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप किसी दूसरे ग्रह पर उतरे हो। पर जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर इंसान पृथ्वी को आने वाले 10 करोड़ साल में छोड़ देते हैं और आगे जाकर कई ग्रहों में बस जाते हैं तो 20 लाख साल बाद वे उस ग्रह की कंडीशन और एवोल्यूशन की एक ऐसी साइकिल में चले जाएंगे कि फिर हर ग्रह पर रहने वाले इंसान दूसरे ग्रह के इंसान को पहचान नहीं सकेंगे। ये उनके लिए एलियन देखने की तरह ही होगा। खैर हम जानते हैं कि 1 अरब साल बाद पृथ्वी पर कुछ नहीं बचने वाला है और पृथ्वी उस समय बस मिट्टी का ढेर बन के रह जाएगी। पर 2 अरब सालों में पृथ्वी सूर्य के हैबिटेबल जोन से भी निकल जाएगी। उस समय सूर्य का हैबिटेबल जोन मंगल ग्रह यानी मार्स के आसपास होगा। यानी 2 अरब साल बाद मार्स जीवन को पैदा करने के लिए और रहने के लिए एक अच्छी जगह बन सकता है। 2 अरब 80 करोड़ साल बाद पृथ्वी का एवरेज सरफेस टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि अब इस पर सिंगल सेल जीव भी नहीं रह पाएंगे। पृथ्वी बस फिर वीनस ग्रह की तरह एक काफी गर्म प्लैनेट बनकर रह जाएगी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से 3.5 अरब साल पहले हुई थी और आज से 3 अरब साल बाद पृथ्वी दोबारा जीवन रहित प्लैनेट बनकर रह जाएगी। 4 अरब साल बाद सूर्य की चमक या ल्यूमिनोसिटी 40% तक बढ़ जाएगी जिससे पृथ्वी का एवरेज सरफेस टेम्परेचर भी 1400 डिग्री सेल्सियस जितना भयानक हो जाएगा। ये ग्रह आज के मरकरी और वीनस से भी ज्यादा गर्म होगा और स्पेस से देखने पर यह हमें थोड़ा लाल या हल्का ब्राउन रंग का दिखाई देगा जिसमें एक दिन 24 घंटे की जगह 40 घंटे का होगा। उस समय चांद भी पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा। अगर आप उस समय की अर्थ पर लैंड करेंगे तो आप कुछ भी नहीं पहचान सकेंगे, ना ही आप अर्थ के मून को देख पाएंगे क्योंकि इतनी दूर जा चुका होगा कि आपको यह बहुत छोटा सा दिखाई देगा जिसकी सतह भी पृथ्वी की तरह पिघली हुई होगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 8 अरब सालों में सूर्य फ्यूजन खत्म करते हुए रेड हाइपरजॉइंट स्टार में बदलेगा जो अपने आज के आकार से भी 256 टाइम्स यानी 256 गुना बड़ा होगा जिससे वह मरकरी वीनस और शायद पृथ्वी को भी अपने अंदर समा ले। और इसी के साथ फिर हमारे प्यारे से प्लेनेट का भी अंत हो जाएगा। हालांकि तब तक हम शायद इस ग्रह को छोड़ चुके होंगे और किसी और ग्रह पर बैठकर इसके अंतिम समय को देख रहे होंगे। पर जब सूर्य रेड हाइपरजाइंट स्टार में बदलेगा तो इस समय सैटर्न यानी शनि ग्रह का चांद टाइटन दोबारा सन के हैबिटेबल जोन में आ सकता है और वहां इंसानों को बसाया जा सकता है।
फिर 12 अरब सालों बाद सूर्य भी दोबारा साइज कम करेगा और अंत समय में वाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा, जिससे फिर इस सोलर सिस्टम में फिर कोई भी हैबिटेबल प्लैनेट नहीं बचेगा। वाइट ड्वार्फ के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप आई बटन पर आ रहे लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम बस केवल कल्पना और अनुमान ही लगा सकते हैं कि आने वाले 400 करोड़ सालों के भविष्य में पृथ्वी का क्या होगा और हम इंसान कहाँ होंगे। 4 अरब या 4 बिलियन साल इतने ज्यादा हैं कि हमारे सोचने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर हम चाहें तो 4 अरब की जगह अपने 40 साल सुधार सकते हैं, तो इससे हम अपने जीवन और आने वाली अगली पीढ़ी को धरती को साफ सुथरा और पॉल्यूशन फ्री रखने में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। क्योंकि फिलहाल तो हमारा एक ही घर है और हमारे सभी धर्मों में घर की साफ सफाई को हमेशा ही अच्छा माना गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसे जमकर लाइक शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपको मिलता हूँ अगले हफ्ते और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दोस्त शिवम।